हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले से ही आप लोग ने देख रखा है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हमने लिख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को, और इसके बाद हम लोग एक एक करके इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। कल हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को लेके थोड़ी सी जो आपकी बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में जानकारी ली थी हम लोगों ने। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज़ में डिजीजेस के बारे में। अब डिजीजेस के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिजीज़ को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद डिजीज़ के प्रकार देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजीज़ के बारे में कुछ कॉमन डिजीज़ जो है हमारी, वो कॉमन डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे चैप्टर को और आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने यहीं पे ख़त्म किया था कि डिजीज़ को हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था एक्वायर्ड डिजीज़ और हेरिडिटरी डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ और हेरिडिटरी डिजीज़ में आपका अंतर क्या होता है? देखिए, एक्वायर्ड डिजीज़ जो होती है ये आपके जन्म के बाद आपको, एक्वायर्ड मतलब कि आप एक्वायर करते हो, उसके बाद जन्म के बाद ये आपको होती है, इन्फेक्शन होता है, और उस इन्फेक्शन के द्वारा या आप किसी के संपर्क में आते हैं उसके द्वारा आपको यह डिजीज़ हो सकती है, या कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या ऐसे कोई भी इन्फेक्शन से आपको कोई मतलब डिजीज़ हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्वायर्ड डिजीज़ है ये क्या है, आपके जन्म के बाद हमको होने वाली जो डिजीज़ होती है उनको हम लोग एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं, और हेरिडिटरी डिजीज़ में हम लोग उस डिजीज़ को नाम देते हैं, या हेरिडिटी में हम उन डिजीज़ को पढ़ते हैं जो डिजीज़ जो है हमारे बचपन से ही हमको क्या होती हैं, होती रही हैं। तो बचपन से ही होने का मतलब ये है कि हमारे माँ बाप से ही हमको क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, वो डिजीज़ हमारी क्या कहलाती है, हेरिडिटरी डिजीज़ कहलाती है। अब बात आती है कि हम एक्वायर्ड डिजीज़ को आगे चल के दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला कम्युनिकेबल डिजीज़, और दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। या कम्युनिकेबल को ही हम लोग कंटेजियस, या नॉन कम्युनिकेबल को ही हम लोग नॉन कंटेजियस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ही हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके इन्फेक्शन के द्वारा होती है, और नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल हम लोग उन डिजीज़ को कहते हैं जो डिजीज़ हमें इन्फेक्शन के द्वारा नहीं होती है, बल्कि और किसी वजह से ये डिजीज़ हमको कॉज होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम लोग कौन कौन से प्रकार के डिजीज़ हमको हो सकते हैं, या ये किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या इनको हम लोग आगे चल के कितने फर्दर कितने पार्ट में बांटते हैं, ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है कि आपके क्या नाम है, पूरे कम्युनिकेबल डिजीज़ को दो पार्ट से चार पार्ट में बांट दिया है, चार एक पांच पार्ट में, जिसमें आप लोग देख रहे हो पहला हमने क्या किया, बैक्टीरियल वायरल, और उसके बाद प्रोटोजोअन्स, उसके बाद फिर आपके हैं प्रोटोजोअल है, और प्रोटोजोअल के बाद हेलमेंटिक है, और फंगल डिजीज है, ठीक है। ये पांच हैं आपके, बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोअन हेलमेंथिस और फंगल डिजीज। इन 500 डिजीज़ों में हम लोग इसके वेक्टर के आधार पे, या हम कहें इसके होस्ट के आधार पे, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए अगर बैक्टीरिया से कोई डिजीज़ हो रही है तो वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई वायरस से अगर कोई डिजीज़ हमको हो रहा है तो वायरस के इन्फेक्शन से तो वो वायरल डिजीज़ हुई। अब कोई प्रोटोजोआ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उन प्रोटोजोआन से हमको कोई भी डिजीज़ अगर इन्फेक्शन हो रहा है, या उससे हमारे कोई डिजीज़ कॉज हो रही है, तो उसे हम लोग प्रोटोजोआन से डिजीज़ कहते हैं। हेलमेंथीज, कुछ हेलमेंथीज जो हम लोगों के शरीर में जाने के बाद अपना होस्ट की तरह हमारी बॉडी को मतलब ट्रीट करते हैं और अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, उनसे होने वाले जो डिजीज़ है उनको हेलमेंथिक डिजीज़ कहते हैं। और बाद में आती है लास्ट में एकदम से फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ का मतलब है कि जो फंजाई के वजह से हमको कोई अगर डिजीज़ होती है तो उसे हम लोग फंगल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में हम लोगों ने देखा है कि टाइफाइड है, निमोनिया है, आपके प्लेग हैं, और आपके क्या है, डिफ्थीरिया है, और आपका टिटेनस है। क्या क्या है आपके, टाइफाइड है, निमोनिया है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, और हमारा क्या है आपका टिटनेस है। ये सारे जो डिजीजेज हैं, ये सारे डिजीज हमारे क्या हैं, बैक्टीरिया से कॉज होने वाले डिजीजेज हैं, यानी कि बैक्टीरिया डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमें ये डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं वायरल डिजीज पे। वायरल डिजीज पे हम लोगों ने लिखा है कॉमन कोल्ड, पोलियो, और आपका है मिसल्स है, मिसलेस। देखो, कॉमन कोल्ड, पोलियो और मिसलेस, मिसलेस
ये सारी डिजीज जो होती हैं आपकी, ये सारी हमारी क्या हो सकती है, वायरल डिजीज हो सकती हैं। दूसरी चीज़ हम लोग प्रोटोजोवाल पे जब आते हैं तो यहाँ पे हम लोग मलेरिया और एमेबियासिस ये दोनों डिजीज को यहाँ पे देखते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं हेलमेंथिस डिजीज में। हेलमेंथिस डिजीज में भी हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक एस्केरियासिस और एक फलेरियासिस। एस्केरियासिस और फलेरियासिस ये दोनों ऐसी डिजीज हैं जो कि हमारी क्या होती हैं हेलमेंथिस, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अंदर होस्ट की तरह रहते हैं या हमारी बॉडी को होस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, उन ऑर्गेनिजम से होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम से या उन ऑर्गेनिजम से होने वाले हमारे जो डिजीज होते हैं वो हेलमेंथिस डिजीज कहलाते हैं। ठीक है, बाकी फंगल डिजीज में हम लोग को जानते ही हैं कि एक एक डिजीज यहाँ पे दिया हुआ है रिंगवा। देखो स्टूडेंट्स, पहले ही हमने बताया था कि आपका जो एनसीईआरटी है, मैं उसी एनसीईआरटी बेस्ड पे आपका पूरा पूरा का पूरा फोकस करूँगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि हम लोग एनसीईआरटी बेस पे ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे चलते हैं, हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी क्या करते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर जब डिवाइड करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चार पाँच डिजीजेस हम लोगों को देखने को मिलती हैं। पहला है डीजनरेटिव ड्यू टू एजिंग और डिफिशियंसी, कैंसर, एलर्जी और ड्रग एंड अब्यूज डिफेक्ट। ये सारी क्या होती है हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, या हम कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, यानी कि ये किसी की इन्फेक्शन के द्वारा हमको नहीं कॉज होती हैं, बल्कि क्या होती हैं अलग अलग वजहों से ये होती हैं। जैसे कि हमारा डी जेनरेटिव, यानी कि किसी चीज़ के जीन डी जनरेशन जी डी डी जेनरेशन की वजह से हो जाती है, तो वो डिजीज़ जो है वो हमारे डी जेनरेटिव कहलाएंगे। डिफिशियंसी, किसी चीज़ की कमी की वजह से अगर कोई हमें डिजीज़ कॉज होती है तो वो हमारी डिफिशियंसी डिजीज़ कहलाती है। आगे चलते हैं, हम लोग करते हैं कैंसर की। कैंसर भी आपका क्या है, ये हमारे कुछ ऐसे फिजिकल, बायोलॉजिकल और वायरल, और हम कह सकते हैं केमिकल्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या ऐसे कुछ फैक्टरों की वजह से होती है, तो ये भी हमारा कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं कहलाती है। एलर्जी भी हमारा कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ में नहीं आता, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आता है। जबकि ड्रग एब्यूज और डिफेक्ट भी आपके क्या आते हैं, ड्रग्स के लेने की वजह से अगर आपको कोई डिजीज़ होती है तो वही इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं कहलाती है। तो हम लोग कहते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम लोगों ने जो देखा वो ये आपके पांच थे, डीजनरेटिव, डिफिशियंसी के द्वारा होने वाले, कैंसर, एलर्जी एंड ड्रग एब्यूज एंड डिफेक्ट। तो ये सारे हमारे क्या हैं आपके, जो हम कह सकते हैं कि ये सारे डिजीज हैं जो हमको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो बिना इन्फेक्शन के होते हैं, वो सारे डिजीजेज हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो क्योंकि हमको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी लेवल पे ही मैं लेके चलूंगा, और मैंने पहले ही बोला है, हमेशा बोल रहा हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी लेवल में पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आगे चल के मैं कई सारे डिजीजेज को, अब देखो जितनी डिजीज के बारे में डिटेल हमारी एनसीईआरटी ने दिया, मैं उतने ही डिजीज का डिटेल यहाँ पे आपको बताऊंगा। बाकी की जो आपके डिजीजेज के नेम है, बस इसको आपको याद रखना है कि वो कौन से डिजीज हैं, बैक्टीरियल है कि वायरल है कि प्रोटोजोआस है कि हेलमेंथिस है कि फिंगल्स है या नॉन कम्युनिकेबल है, वो चीज़ें आप याद रखिएगा। बस जो एनसीईआरटी में हमारा जो दे रखा है जिन डिजीज के बारे में डिटेल्स में, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। देखिए ये स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई गई है और ये स्लाइड आप लोगों के लिए ही है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इस पूरे डिजीज में हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो कौन से डिजीज है, बैक्टीरियल हैं कि वायरल हैं कि आपके प्रोटोजोआंस हैं कि हेलमेंथिस हैं कि फंगल हैं। तो सबसे पहले आप पीछे इस बगल में देखिए, आप यहाँ इस बगल में एकदम से इधर देखेंगे टाइफाइड वाले जगहों पे, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज वहाँ पे मैंने लिख रखा है, वहीं पे आपके टाइफाइड लिखा है, यानी कि वो डिजीज के नाम और वो डिजीज कौन सी डिजीज है इनके नेम यहाँ पे मैंने लिख रखे है। यहाँ पे इनके पैथोजेंस है, पैथोजेंस के बाद आपके क्या है, हम कह सकते हैं कि पैथोजेंस है और आपके सिम्पटम्स दिए हुए हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है, यानी कि हमको ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलो तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज जो कि हमारा टाइफाइड है, इसके बारे में। तो टाइफाइड जो बैक्टीरियल डिजीज हम लोगों का है, ये हमारा जो इसको कॉज करने वाला, यानी कि टाइफाइड को जो कॉज करने वाला जो हमारा पैथोजन है वो क्या है, सल्मोनेला टाइफाई है। अब सल्मोनेला टाइफाई जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कॉज करता है क्या हमें टाइफाइड नामक की बीमारी को या हमारे अंदर टाइफाइड नामक की डिजीज को। सेल्मोनेला जो है ये हमारा
मोड ऑफ जो इसका ट्रांसमिशन है अगर उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होता है कि ये हमारा इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर्स ऑर्गन्स बाई ब्लड। देखो जो सेल्मोनेला टाइफाई है ये हमारे क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है किसके थ्रू, फूड और वाटर के थ्रू, यानी कि जब हम लोग भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं तो उस समय अगर सेल्मोनेला से इन्फेक्टेड भोजन या पानी हम लोग पी लिए तो वो चीज़ें क्या कर जाएगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जब पढ़ा था तो हम लोग को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है फूड के मटेरियल्स का, या फूड के द्वारा जो हमारे स्मॉल कंपोनेंट बनाए जाते हैं फूड के पार्टिकल्स, वो उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि फूड या वाटर जब हम ले रहे हैं तो वो अगर सेल्मोनेला टाइफाई उसमें मौजूद है, उस कंटामिनेंट के रूप में अगर वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर खाना खाने से या पानी पी ही रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सेल्मोनेला टाइफाई को अपने कहाँ पे भेज दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया खाने के साथ पानी के साथ। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या है विलाई प्रेजेंट है, और वो विलाई क्या करती है हमारे फूड पार्टिकल्स मतलब जो सिंपल फूड मटेरियल्स है उसके साथ इस सेल्मोनेला टाइफाई का भी क्या कर लेती है एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और एब्जॉर्प्शन करके जैसे ही फूड सिंपल फूड पार्टिकल्स को या सिंपल फूड मटेरियल्स को वो ब्लड में दे देती थी, उसी तरह से इन सेल्मोनेला टाइफाई को भी कहाँ पे एंट्री करवा देंगी ब्लड के अंदर एंट्री करवा देंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा हमको एक हम कहेंगे कि वो ब्लड के थ्रू, क्योंकि हमारा ब्लड क्या होता है कि हमारे पूरे 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 शरीर में हमारा ट्रांसपोर्ट होता रहता है, तो हम देखते हैं कि पूरे शरीर में या हम कह सकते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे ये ब्लड के थ्रू क्या करती रहती है फैलती रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोगों को सिम्पटम क्या क्या देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी के बेस पे। तो एनसीईआरटी के बेस पे अगर सिम्पटम की बात की जाए तो यहाँ से सबसे पहला क्या है सस्टेन हाई फीवर, सस्टेन हाई फीवर और वो भी कितनी 39 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक, कितनी डिग्री सेल्सियस तक हम सेल्सियस तक हमको क्या हो सकती है बुखार आ सकती है, हमको हाई फीवर हो सकता है और हेडेज हो सकता है, हेडेज का मतलब हमको सरदर्द हो सकती है, वीकनेस दिख सकता है, स्टोमच पेन हो सकता है, हम कह सकते हैं कि हमको पेट में दर्द हो सकती है अगर टाइफाइड हमको है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ठीक है, इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन डेथ में अकर्स। देखो टाइफाइड एक बहुत ही बड़ा बहुत ही भयानक डिजीज भी है, क्योंकि अगर इसका आपने समय रहते क्योर नहीं किया, इसकी अगर आपने समय रहते ही आपने इसकी इलाज नहीं की तो ये हमको डेथ तक करवा सकता है हमारे इंटेस्टाइनल परफोरेशन को करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों की इसमें देखी जाती है, नॉर्मल और भी कई चीज़ें हमको देखी जाती हैं जैसे स्नीजिंग हो सकता है, स्वीटिंग आ सकती है, हेडेक हो सकता है, बाकी क्या आप नीचे देख सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इनके जो हमारे टेस्ट हैं वो किस टेस्ट के द्वारा हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या कौन सी हमारी पैथोलॉजी में हमारे इनके टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी आपको देती है कि वाइडल टेस्ट, या हम कहें एनसीईआरटी ही नहीं आपके कहीं पर भी आप देखोगे तो इसका जो हम लोग डिटेक्शन करते हैं टाइफाइड नामक बीमारी का जो डिटेक्शन होता है इसके बैक्टीरिया का, वो हम एक वाइडल टेस्ट से करते हैं, जिसमें हम लोग करते क्या है एच और ओ नामक की हम एंटीजन्स लेते हैं, और उस एंटीजन्स के साथ जो सीरम होता है हम लोगों का उस सीरम को लेते हैं, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं उसमें डालते हैं, और डालने के बाद उसी से डिटेक्ट करते हैं, अगर एंटीजन्स वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं तो हमको पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, अगर एंटीजन्स बाइंड नहीं होते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमारा क्या है कि वो एंटीजन्स अगर बाइंड हो गए तो निगेटिव है, अगर एंटीजन्स बाइंड हो गए तो पॉजिटिव है, एंटीजन्स बाइंड नहीं हुए तो निगेटिव है। आप ये जानिए कि आपको इतने ज़्यादा डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप ये जानिए कि वाइडल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं टाइफाइड को डिटेक्ट करते हैं, या टाइफाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं पैथोलॉजिकली डिटेक्शन उसका कर सकते हैं। अब बात आती है कि टाइफाइड सबसे पहले ये किस में देखा गया था, या ये कब से हमको पता चला। देखो मैरी मेलन निकड नेम टाइफाइड मैरी वाज ए प्रोफेशनल कुक, सी वाज टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। देखो एक घटना ये है कि मैरी मेलन जिसका आप कह सकते हो कि टाइफाइड मैरी इसका नाम था, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखा क्लियर, अब पढ़ो ठीक है।
देखो मैरी मेलन जो है ये इसका निक नेम आप कह सकते हो कि जब क्योंकि ये टाइफाइड कैरियर था, यानी कि ये एक ऐसा बंदा था जिसको टाइफाइड हुआ और अपने साथ साथ ये कई बंदों को इन्फेक्ट किया था एक साथ में। देखो एक्चुअली क्या था कि ये जो हमारा मैरी मेलन था ये एक कुक था। कुक का मतलब एक रसोईया था। अब ये रसोईया था तो ये करेगा क्या, रसोईया है तो भाई भोजन बनाएगा, तो भोजन बनाएगा तो भाई वहाँ पे छींक उक आएगी, या हम कह सकते हैं कि वो अपने छींक आ रही है तो अपने हाथ को कंटेमिनेट करेगा, और कंटेमिनेट करने के बाद उसी हाथ से अगर खाना बनाएगा पानी देगा लोगों को, तो लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकती है, सलमोनेला टाइफाइड उनके अंदर जाएगी और उन्हें क्या 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 कर सकती है, टाइफाइड कॉज कर सकती है। तो इसमें यही हुआ कि मैरी मेलन एक कुक था जो कि माना जाता है कि ये टाइफाइड कैरियर रहा या थी। ठीक है, मैरी मेलन एक लड़की थी हमारे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे सी वॉज अ टाइफाइड कैरियर। तो हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। देखो ये मैरी मेलन एक लड़की थी जिसने क्या किया, जिसका हम लोग आप कह सकते हैं कि ये टाइफाइड कैरियर थी, इसी वजह से इसका एक निक नेम रखा गया है टाइफाइड मैरी। और ये एक कुक होने की वजह से इसने क्या किया, अपने भोजन को बनाने की वजह से ये अपने भोजन को बनाते हुए कई लोगों को टाइफाइड से क्या किया, इन्फेक्ट किया, और जिसकी वजह से टाइफाइड को फैलाया। और इसी वजह से इसको हम लोग आज पढ़ते हैं मैरी मेलन के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब औरत थी या एक ऐसी लेडी थी जो कि क्या की थी हमारे मतलब सोशल माने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टाइफाइड कैरियर को इसने जन्म दिया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइफाइड को कॉज करवाया था कई लोगों में। ठीक है, क्योंकि ये उससे इन्फेक्टेड थी और अपने से कई लोगों में भी क्या किया, इसने इन्फेक्शन दे दिया। ठीक है, और ये बहुत सालों तक दिया था और लोग इसको जान नहीं पाए थे और ये भी नहीं जान पाए थे कि इसको टाइफाइड है। तो ऐसे आपके एक एग्जाम्पल से आपका किसको लेके, मैरी मैलन को लेके। अब बात आती है देखो यहाँ पे इन्फेक्ट बैक्टीरियल डिजीज हो गया। बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग देखो यहाँ पे दूसरी डिजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी डिजीज कौन है हमारी, निमोनिया है। निमोनिया जिस डिजीज से होती है उसके पीछे नीचे आपकी मतलब जिस ऑर्गेनिजम से होती है उसका आपको इमेज दिया हुआ है। अभी मैं वहाँ भी कर रहा हूँ आपका ये कैमरा, क्योंकि इधर आपका क्या है लंग्स वगैरह है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बतानी है, तो अभी ये आपका जो भी है अभी इधर ही रहने देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो निमोनिया है बैक्टीरियल डिजीज है, आप देख रहे हो बैक्टीरियल डिजीज होने के साथ साथ ये क्या है आपका निमोनिया, जो बैक्टीरियल डिजीज होने के साथ साथ ये हमारा क्या करता है, ये बैक्टीरियल डिजीज जो हमारा निमोनिया है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। और लंग्स को किसको इन्फेक्ट करता है, लंग्स में जो एल्विलाई पाई जाती है जहाँ पे हमारे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, उस एल्विलाई को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है। और उसके बाद आप देखते हो कि ये करता क्या है, उस एल्विलाई में फिल कर देता है पानी, यानी कि वाटर को भर देता है, जिसकी वजह से ये हमारा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि द एल्विलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये वाटर ही हो, लेकिन अक्सर करके देखा जाता है कि वाटर ही होता है। ठीक है, फ्लूइड्स कुछ ऐसे फ्लूइड्स भर जाते हैं, कुछ ऐसे तरल पदार्थ भर जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारी एल्विलाई होती है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें। और जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि जो आपकी एल्विलाई है वो आपसे सही से काम नहीं कर पाती है, सही से O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं करवाती है, जिसकी वजह से हमको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब बात आती है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इसके निमोनिया के हम लोग कुछ क्या देखते हैं, पैथोजेंस के कॉजिंग पैथोजेंस देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो निमोनिया के अगर पैथोजेंस की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि निमोनिया का जो पैथोजेंस होता है वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है, या दोनों जो होते हैं आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हुआ चाहे आपका हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा हुआ, इन दोनों की वजह से हमको क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और आपका हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स हमको यानी कि ये दोनों बैक्टीरिया हमको क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं निमोनिया को। अब बात आती है इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका क्या है, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, एरिसोल रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। देखो ड्रॉपलेट्स इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है, देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी को निमोनिया हुआ है, तो निमोनिया हुआ है तो आप देखते हो कि उसको जब निमोनिया हुआ होता है तो उसका सबसे जो नॉर्मल सिम्पटम उसको दिखता है कि बार बार उसको स्नीजिंग आती है। अब स्नीजिंग जब आती है तो वो करता क्या है कि ड्रॉपलेट्स कुछ स्नीज के साथ कुछ सारे ड्रॉपलेट्स क्या करता है, बाहर करता है। अब बाहर करेगा तो उसके सामने अगर उसके साथ अगर आप कहीं पे हो तो आप उस ड्रॉपलेट्स को क्या करोगे, इनहेल करोगे, जिसकी वजह से होगा क्या,
आप उस ड्रॉपलेट्स को इनहेल करोगे तो आपको वो डिजीज आपको क्या हो सकती है, कॉज हो सकती है, या वो डिजीज आपको क्या कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है, क्योंकि उस ड्रॉपलेट के साथ आपका ये हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नोबरिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये दोनों जो वायरसेस हैं इनमें से कोई एक हो सकता है, कोई एक हो सकता है। अब ये दोनों में से एक, अब जब ड्रॉपलेट्स, अभी आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दे रहा है आपका इमेज में, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक बंदा है आपको दिख रहा है जो क्या कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है। अब स्नीजिंग कर रहा है तो वो ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बाहर दे रहा है। अब ये ड्रॉपलेट्स क्या करेगा, अगर आप उसके संपर्क में आ गए, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आ गए, तो ये ड्रॉपलेट्स की वजह से इस ड्रॉपलेट्स को क्या करोगे, आप इनहेल करोगे, मतलब इस ड्रॉपलेट्स को आप अपनी सांसों के साथ अंदर अपने ले जाओगे, और उस ड्रॉपलेट्स में पहले से मौजूद है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और वो जाएंगे आपके बॉडी में और आपके लंग्स में, और आपके लंग्स में जाके क्या कॉज करेंगे, फिर आपको निमोनिया कॉज करेंगे, या आपके लंग्स के एल्विओलाई में इन्फ्लेमेशन लेके आएंगे, या और चीजें लेके आएंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं और चीजें क्या हो सकती है। इन्फेक्टेड पर्सन शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन, देखो देखो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आप टॉवल यूज कर रहे हो या और चीजें यूज कर रहे हो, वही सेम चीज मैंने बताई, पहले भी बताई थी कि क्या होता है इन्फेक्शियस डिजीज अक्सर करके हमारे कॉन्टैक्ट में, एक पर्सन के दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से ही हमको क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज जो है क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, आपको पता है। तो अब आपको देखो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए उस बंदे ने स्नीच किया, अभी ये जो बंदा है आपका स्नीच कर रहा है, ये स्नीच करेगा तो मान लीजिए वो हाथ पे अपने कर दिया स्नीचिंग, मतलब करते समय अपना हाथ लगा लिया, तो हाथ उसका क्या है, इन्फेक्टेड है, हाथ उसका क्या है, इन्फेक्टेड है। अब वो इन्फेक्टेड पर्सन क्या करेगा, दूसरे टॉवेल्स को अपने उठाएगा, टॉवेल्स को उठाएगा, तो पता चला वो इन्फेक्शियस जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो उसके हाथ पे थे, वो अब कहाँ पे चलेंगे, उसके टॉवेल पे चलेंगे। अब उस टॉवेल को जब आप उठाओगे तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो टॉवेल पे लगा था वो अब आपके हाथ पे आ गया। अब आपके हाथ पे आने से अब आप क्या करोगे, जब कोई भी चीज अब ईट करोगे या कोई भी चीज खाना खाओगे या कुछ भी करोगे तो आप इन्फेक्टेड होगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब भी खाना खाओ या जब भी कुछ चीजें आप खाओ तो हाथ धुल के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपके हाथों में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, और अगर आप उसी हाथ से अगर खाना खाते हो, अगर आप उसी हाथ से और भी कोई चीजें करते हो, तो आप इन्फेक्शन उस माइक्रो ऑर्गेनिजम से आपकी बॉडी इन्फेक्टेड हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको अलग अलग प्रकार की डिजीजेस हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ ग्लासेस से, यूटेंसिल से, किसी भी चीजों से इन्फेक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या फैल सकता है। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इनके सिम्पटम क्या है। सिम्पटम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, सिम्पटम में सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो अभी इसके पहले आपने देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, तो वो चीजें तो है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेंगे, फीवर हो सकता है, चिल्स, चिल्स मीन्स आपको ठंड लग सकती है, कफ हो सकता है, हेडेच आपको देखने को मिल सकता है इन सीवियर केसेस। अगर निमोनिया में बहुत ज्यादा सीवियर केसेस होती है तब आपको सरदर्द होगा, तो यानी कि सरदर्द का होना यानी कि निमोनिया आप में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पे आप तुरंत क्या करिए, क्योर करना शुरू करिए। लिप एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे इन ब्लूइश कलर इन सीवियर केसेस, सॉरी आपके हेडेच में तो सीवियर केसेस में नहीं होगा एक्चुअली, आपका यहाँ पे सीधा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कामा लगा रखा है, वही मैं इसीलिए मैं रुक गया कि मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको, ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखिए हेडेच, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह आपको चीजें देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको फीवर देखने को मिल सकता है, ठंड लगती हुई आपको देखने को मिल सकती है, महसूस हो सकती है, कफ देखने को मिल सकता है, हेडेच देखने को मिल सकता है। लेकिन निमोनिया का जो सीवियर केसेस होता है, सीवियर केसेस का मतलब जटिल, यानी कि अंतिम वाला जो समय होता है निमोनिया का, ऐसा समय जहां पे निमोनिया बहुत तेजी से फैल रहा होता है, या ऐसे समय की बात कर रहे हो जहां पे निमोनिया बहुत ही सीवियर केसेस में चल रहा हो जाता है, तो उस समय जो निमोनिया है, उस समय निमोनिया अगर आपको सीवियर केसेस निमोनिया है तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और वो चीज क्या है, आपको वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो लिप यानी कि ओठ है और जो आपका फिंगर है, ये दोनों आपका कहां पे, किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, आपके ये दोनों के दोनों कन्वर्ट होने लगेंगे ब्लूइश कलर में। किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, ब्लूइश कलर में। एक मिनट रुकिए,
तो ये सारे के सारे क्या होने लगेंगे, ब्लूइश कलर में मतलब आपके होने लगेंगे, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं नए डिजीज को, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन कोल्ड। तो चलिए देखते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड में हम लोग देखते क्या है स्टूडेंट्स, कि कॉमन कोल्ड क्या है, ये अभी आपका जो है ये है क्या आपका, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है बल्कि आपका क्या है, वायरल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज में और भी हम लोगों ने कई डिजीज पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एनसीईआरटी डिटेल नहीं करती है, तो इसलिए हमको भी डिटेल करने की कोई जरूरत तो उतनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड को देखते हैं। कॉमन कोल्ड में क्या कर रहा है, इट इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स, बट नॉट लंग्स। यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो कॉमन कोल्ड है, ये आपके नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन दोनों को इन्फेक्ट तो करता है, लेकिन आपके लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ये चीजें याद रखिएगा। और ये आपका करता क्या, इट लास्ट फॉर 3 to 7 days, यानी कि जब भी आपको कॉमन कोल्ड होगा, जब जुखाम होता है, सामान्य जुकाम, इसको जुकाम कहते हैं हम लोग, जुकाम जुकाम कहते हैं इसको हिंदी में, जुकाम कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य जुकाम जब भी होता है आपको, देखते क्या हो कि आप 3 to 7 days परेशान रहते हो, उसके बाद देन आफ्टर ये क्या हो सकता है, सही भी हो जाता है। किसी किसी को दवा लेने की जरूरत भी पड़ जाती है, किसी किसी को बिना दवा लिए ही आपकी ये सही हो जाती है, ऐसा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सामान्य जुकाम जो है, या हम कह सकते हैं जब कॉमन कोल्ड है, ये अभी आपका क्या है, एक डिजीज है जो कि क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है किसको, हमारे ये देख सकते हो आप कुछ बैक्टीरियाज वगैरह के ये फिगर दे रखे हैं इस पीडीएफ पीपीटी में, तो ये चीज़ें देख लो। और चलो, इतनी चीज़ें देखने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में अब हम लोग क्या लेंगे कि ये कॉमन कोल्ड जो है वो हमारा किस पैथोजन से क्रिएट होता है। दूसरी चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, सिम्पटम देखेंगे इसके। तो इसके जब हम पैथोजन्स की बात करते हैं, तो वो कौन सा, हमारा रिनो वायरस है। रिनो वायरस एक ऐसा पैथोजन्स है जो कि काज करता है हम लोगों में क्या, कॉमन कोल्ड। अब ये होता कैसे, ये भी देखो, क्योंकि ये नेजल को और आपके ट्रैकिया को इन्फेक्ट कर रहा है, या हम कह रहे हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या हो सकता है, इस वाले में भी आपको स्नीजिंग वगैरह आ सकती है। बीच में आप देख लो इस बंदों को, इन बंदों को देखो क्या करना है, ये दोनों देखो एक दूसरे को इन्फेक्शन कैसे हो रहा है। वहां पे एक क्या कर रहा है, स्नीज कर रहा है अपने मतलब हैंकी को लेके, और उसके बाद बगल वाला जो है वहीं पे ड्रॉपलेट से वो क्या हो रहा है, उसके हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो अब इतनी चीजें। अब यहां पे देखो ये है क्या, इनहेलिंग ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड और स्नीज, वही सेम चीज है जो हम लोगों ने कॉमन कोल्ड में पढ़ा, निमोनिया में पढ़ा, सॉरी जो भी हम लोगों ने निमोनिया में पढ़ा, और वही अभी हम क्या देख रहे हैं, कॉमन कोल्ड में भी देख रहे हैं। इसमें भी क्या है आपका, कि इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज, यानी कि कफ से या स्नीज करते समय जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है, उनको इनहेल करने से, उनको अंदर सांसों के साथ अंदर लेने से, उनसे ये आपकी क्या हो सकती है, कॉज हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, थ्रू कंटामिनेंट ऑब्जेक्ट, पेन, बुक्स, कप, डोर नॉब, कंप्यूटर एसेसरीज, इत्यादि, यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड जो आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को छूने से या उस ऑब्जेक्ट के टच में आने से या उसके कॉन्टेक्ट में आने से हम लोगों को ये आपकी डिजीज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर देखने के बाद हम लोग अब आते हैं सिम्पटम पे। तो सिम्पटम मीन्स में क्या है, आपको पता है कि ये कर क्या रहा है, किसको इन्फेक्ट कर रहा है, नोज को, रिस्पिरेटरी ट्रैक को। तो ये सबसे पहला क्या करेगा भाई, नजल कंजेशन, यानी कि आपकी नाक बंद हो जाती है, आप देखते हो कि सो नहीं पाते हो आप लोग, सांस तक नहीं ले पाते हो आप लोग, इनहेलेशन आपका रुक जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कंजेशन हो जाता है, डिस्चार्ज होने लगते हैं, आप लोग बहने लगता है नाक वोक देखते रहते हो। ठीक है, फीवर हो सकता है, हेडेच हो सकता है, और आपके सोर थ्रोट, आपका गला सूखने लगता है। ये याद रखना कि इसमें आपके जब कॉमन कोल्ड होता है तो कभी कभी आपका क्या होता है, गला सूखने लगता है। कफ आपको आ सकते हैं, ये तो नॉर्मल आप देखते ही हो। आपका हॉर्सनेस आ सकता है, मतलब कि आपको हरासमेंट आ सकती है। ठीक है, नहीं सॉरी, हॉर्सनेस आ सकता है, टायर्डनेस आ सकता है, और ETC आ सकता है, यानी कि और भी कई सारे सिम्पटम आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा आपका सिम्पटम है वो क्या है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज और
फीवर, हेड एचेड, सोर थ्रोट, ये सब का आप क्या क्या है जो मेन मतलब सिम्पटम है वो है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं किस पे, दूसरी डिजीज पे जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआंस डिजीज। प्रोटोजोआंस डिजीज में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं किसको, मलेरिया को। अब मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआंस डिजीज है, इसको कॉज करने वाला जो पैथोजेंस है वो है प्लाज्मोडियम। इसको कॉज करने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम हम लोगों का क्या है, कई प्रकार से मिलते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है हमारे, कई प्रकार के मिलते हैं। अब प्लाज्मोडियम जो मिलते हैं वो हमारे जो मिलते हैं तो प्लाज्मोडियम वॉल्वैक्स, प्लाज्मोडियम मैलारियस, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। ये तीन प्रकार के आपके प्लाज्मोडियम है, वाइवैक्स, मलेरिया और फैल्सीपेरम। जो कॉमन मलेरिया आपका होता है वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया से। किससे होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया से या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि किसी किसी में मलेरिया जब होता है तो वो बहुत ही सीवियर मतलब हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं केसेस जो होती है उनमें मलेरिया होने की, मलेरिया होने से वो उसकी जो पूरी मतलब इम्यूनिटी सिस्टम होती है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, या हम कह सकते हैं ज़्यादातर जो मलेरिया कॉज हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो मतलब मोर इन्फेक्टिव मलेरिया जो कॉज करता है वो आपका कौन सा स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का, फैल्सीपेरम है। इसलिए कहा जाता है कि फैल्सीपेरम कॉजेज मोस्ट सीरियस मैलिग्नेंट मलेरिया है, लेकिन बहुत ही सीरियस मलेरिया जो कॉज करने वाला आपका इन तीनों स्पीसीज में से वो कौन है, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मलेरिया जो है ये आपका नॉर्मल मलेरिया कॉज करता है, वॉयवैक्स भी आपका कुछ नॉर्मल सी करता है, लेकिन सबसे नॉर्मल आपका मलेरिया करता है, और जो सबसे खतरनाक मलेरिया कॉज करता है वो हमारा है फैल्सीपेरम, ठीक है। अब आइए इसका जो मतलब आप कह सकते हो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि ये कैसे हम लोगों के बीच में मतलब फैलता है, तो इसका सबसे पहला सबसे बड़ा जो कारक है वो है बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का, यानी कि जो मादा मच्छर होती है उसके काटने से ये सबसे ज़्यादा फैलता है कौन, मलेरिया हम लोगों में। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ये जो मलेरिया होता है ये हम लोगों का दो होस्ट पे कंप्लीट होती है, इसकी पूरी ये प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है ये पूरी लाइफ साइकिल इसकी दो होस्ट पे कंप्लीट होती है, और इसी वजह से ये दो होस्ट पे कंप्लीट होने की वजह से इसका क्या होता है कि आप ये देख लो, ठीक है। चलो दो होस्ट पे कंप्लीट होने की वजह से ये जो आपका मलेरिया है ये आपका बाइट, अब दो होस्ट कौन कौन से, एक मॉस्किटो पे और एक खुद ह्यूमंस पे, यानी कि जब तक ये दो होस्ट नहीं होंगे तब तक आपको मलेरिया कॉज नहीं होगी, यानी कि मच्छर ना हो या तो आप ना हो, अरे आप नहीं रहोगे तो बीमारी कहाँ से होगी लेकिन मच्छर नहीं रहेगा तभी आपको मलेरिया नहीं होगी, बीमारी तो हो सकती है बट मलेरिया आपको नहीं हो सकती है। तो हम कहते हैं कि ये जो आपके इसके हम कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, बाइटिंग फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से होता है। इसमें जो हम लोग सिम्पटम देखते हैं या इसमें जो चीज़ें आपको देखी जाती है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है कि हम लोगों के शरीर में एक टॉक्सिक एलिमेंट या एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोजोइन। क्या क्या नाम देते हैं, हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन जो केमिकल्स होता है वो हम लोगों के बॉडी में रिलीज होता है। अभी हम आगे चलेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया या लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जब पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सॉरी मलेरिया नहीं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हीमोजोइन कब और कैसे रिलीज होता है, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि सिम्पटम हमें क्या देखने को मिलती है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारे बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट या टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोजीन और हीमोजोइन, और ये हीमोजोइन्स की वजह से हम लोगों को क्या होता है अलग अलग से सिम्पटम देखने को मिलते हैं। एक दो सिम्पटम जब हम लोगों को जो बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं वो दिखाई देता है क्या, ठंड लगना और सबसे ज़्यादा हाई फीवर। ये दोनों आपके क्या हैं हम लोगों के मेन मतलब सिम्पटम है, रिक्वायरिंग इन 3 to 4 days, मतलब हर 3 से 4 दिन पे आपको जब भी मलेरिया होगा तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो आपकी मतलब बुखार है ये ठीक भी हो जाएगी, फीवर ठीक भी हो जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे क्या कि वो ठीक होने के बाद फिर 2 से 3 दिन बाद फिर दोहरा देगा, फिर कहते ना कि अरे बुखार तो है जा ही नहीं रहा है, 2-3 दिन बाद फिर दोहरा दे रहा है, अरे भैया
तो डॉक्टर्स के पास जाने के बाद यही लोग कहते हैं, लेकिन अब वो नहीं समझते हैं कि 2-3 दिन के बाद फिर से दौरा आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको क्या है मलेरिया कॉज हो चुका है। और उसके बाद हमारा जो डॉक्टर होता है मलेरिया चेकअप के लिए उसको क्या कर देता है, प्रेफर कर देते हैं, और इसके बाद हमारे जो पेशेंट होते हैं वो को देख मतलब चेकअप करवाते हैं और पता चलता है उनको मलेरिया कॉज हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लजबुडी। यहाँ पे देखो एक आपको फिगर दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि मतलब है यहाँ पे एक मच्छर आपको काट रहा है और ह्यूमंस को, और वो ह्यूमंस का मच्छर जो काट रहा है तो उसके बाद कुछ ह्यूमंस के अंदर वो इंजेक्ट कर दे रहा है, और वो इंजेक्ट करने के बाद वो ह्यूमंस के अंदर कहाँ पे जा रहा है आपका लीवर में, और उस लीवर के बाद फिर से वो क्या कर ले रहा है अपने पास, या फिर से उसको अपने पास ले रहा है। यानी कि इसमें देखो दोनों चीज़ें एक ही मच्छर में दिखाई गई है, लेकिन होता क्या है देखो, आप देख लो पूरे प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो मच्छर और हमारे दोनों के लोगों के बीच में है, और दोनों लोगों के बीच में ही हमारी पूरी लाइफ साइकिल के इसकी कंप्लीट होती है, प्लाज्मोडियम की कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अभी चलो ठीक है, अभी 36 मिनट ही हुए हैं तो दिक्कत नहीं है, अभी आप पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो हम चलते हैं देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में आप देख रहे हो कि सबसे पहला जो आपका क्या है यहाँ पे बीचों बीच देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, आप बीचों बीच देखो यहाँ पे देखे दिया है मॉस्किटो होस्ट एंड ह्यूमन होस्ट दिया है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे देखो मॉस्किटो बाइट Another human. बीच में क्या दिया, मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, यानी कि जब मच्छर किसी मतलब व्यक्ति को काटता है, मच्छर काटा, अब मच्छर काटा तो मच्छर काटने के बाद क्या होता है, मच्छर अपने स्लाइवा में या उसके स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकलती है उस स्लाइवा में मिक्स होता है प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट्स। क्या होते हैं मिक्स, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट्स, यानी कि क्या मिलता है, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट्स मिलता है। ठीक है, यानी कि वही आपके क्या है, पैरासाइट्स है। ठीक है, अब ये देखो मॉस्किटो आपको काटा, आपको काटने के बाद आपको आपका वो अपना जो पैरासाइट था स्पोरोजॉइट्स जो थे उसके प्लाज्मोडियम को आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब आपके अंदर वो जब इंजेक्ट करेगा तो होगा क्या, ये पैरासाइट रीच कर जाएगा कहाँ पे, लीवर के सेल्स के पास, यानी कि आपके हाथ पे मच्छर काटा, अब ये आपके हाथ पे मच्छर काटा कहाँ पे काटा, अभी आपके हाथ पे काटा, अब ये आपके हाथ के थ्रू कहाँ चला जा रहा है, आपके लीवर पे चला जा रहा है। क्या जो स्पोरोजॉइट्स आपके हाथ पे मच्छर ने काटा और उसके बाद आपको इंजेक्ट किया था, वो स्पोरोजॉइट्स आपके ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जा रहा है, लीवर में पहुंच जा रहा है। अब वो लीवर में पहुंचने के बाद कर क्या रहा है, देखो आगे चल के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर सेल ब्रस्टिंग सेल्स रिलीज इनटू ब्लड, वो स्पोरोजॉइट्स जो फीमेल एनाफिलीज ने आपको काटते समय आपके ब्लड में डाला, वो ब्लड के थ्रू कहां चला गया, लीवर में। अब वो लीवर में जाने के बाद लीवर के सेल्स में अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर जाता है, क्यों, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है उसके लिए जितना पीएच, जितना इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वो सारा इन्वायरमेंट हमारे कहाँ मिल रहा है, हमारे लीवर के सेल्स में मिल रहा है। उसके स्पोरोजॉइट्स को डेवलप करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट हमारे कहाँ पे, लीवर सेल्स में। तो उसको अपने ग्रोथ करने के लिए, अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको क्या मिल गया, एक मीडियम मिल गई, एक इन्वायरमेंट मिल गया, और वो वहां पे क्या करने लगता है, इसको रिप्रोडक्शन चालू कर देता है, चालू कर देगा एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन, और क्या करेगा, बाइनरी फिजन के द्वारा वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करता रहेगा, रिप्रोड्यूस करता रहेगा, पता चलेगा कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम को वो क्या कर रहा है, उस लीवर्स के प्रत्येक सेल्स में वो क्या कर रहा है, अपने प्लाज्मोडियम के नंबर बढ़ा रहा है। अब प्लाज्मोडियम के नंबर लीवर सेल्स में बढ़ रहे हैं, तो लीवर सेल में अगर प्लाज्मोडियम के नंबर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि लीवर का सेल्स जो हो सकता है वो ब्रस्ट कर जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी के फिगर है वहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली दिखा देगा, तो एनसीईआरटी का फिगर देख लो, वहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि किस तरह से आपका लीवर का सेल फट रहा है, किस तरह से आपके प्लाज्मोडियम ब्रस्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपका एक स्लाइड बनाते समय, या तो आपको मैंने एक पूरा पैराग्राफ बनवा दिया है। ठीक है,
तो वो चीज़ें आपको लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, पैरासाइट कहाँ पहुँचा और लीवर सेल्स में पहुँचा, और लीवर सेल्स में पहुँचने के बाद अपने रिप्रोडक्शन को वो चालू कर दिया, और रिप्रोडक्शन को चालू करने के बाद एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगा, और लीवर सेल्स को अंदर क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहा था तो हमारे लीवर सेल के अंदर अपने नंबर्स को बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से वो लीवर सेल का क्या हो जाता है, ब्रस्टिंग हो जाती है, यानी कि लीवर सेल हमारी फट जाती है, या हम कह सकते हैं लीवर सेल हमारी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो सारे जो उस लीवर सेल के अंदर जितने भी हमारे अभी नए नए स्पोरोजॉइट्स बने थे या जो नए नए पैरासाइट्स बने थे वो फिर कहाँ पर चले जाते हैं, हमारे ब्लड में चले जाते हैं। अब की बार देखो ब्लड में भी फिर ये क्या करेंगे, ब्लड की सेल्स को अभी ये क्या करेंगे, इन्फेक्टेड करेंगे, और ब्लड के सेल्स को इन्फेक्ट करके फिर ब्लड में भी क्या करेंगे, अपने नंबर्स को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे नीचे क्या लिखा। अब देखो क्योंकि इनटू द ब्लड चला गया, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, फिर वहाँ पे ब्लड में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या करते हैं अपना चालू करते हैं, और अब ब्लड के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू करेंगे तो वही सेम चीज़ है कि भाई एक छोटे से सेल में, एक छोटे से सेल में बहुत सारे नंबर्स आप बढ़ा रहे हो प्लाज्मोडियम के, बहुत सारे नंबर क्या कर रहे हो बढ़ा रहे हो प्लाज्मोडियम के, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सेल होगा ऐसे ऐसे ब्रस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी, ब्रस्टिंग आरबीसी रिलीज हीमोजाइन साइकिल ऑफ फिगर एंड अदर सिम्पटम, यानी कि अब यहाँ पे देखो मैंने वहां पे जब प्लाज्मोडियम का बता रहा था कि जब प्लाज्मोडियम कॉज करता तो हम लोग सिम्पटम जब देख रहे थे तो वहां पे हीमोजाइन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे अब यही देख लो कि जब हम लोगों के ब्लड के सेल्स को, जब हम लोगों के ब्लड के सेल को ब्रस्ट करने लगते हैं प्लाज्मोडियम, और जब ब्रस्ट करके ये जब फैलने लगते हैं हमारे ब्लड के मीडियम में, तो उस समय हमारा क्या करते हैं ये प्लाज्मोडियम सिक्रीट करते हैं किसको, हीमोजॉइन केमिकल्स को, और जो कि टॉक्सिक केमिकल होता है, और इस टॉक्सिक केमिकल के रिलीज होने की वजह से हमारी जो बॉडी है वो सस्टेन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से होता क्या कि हमको हाई फीवर देखने को मिल जाती है, कोल्ड देखने को मिल जाता है, यानी कि हमको देखते हैं कि क्या होता है, एक सिम्पटम देखने को मिल जाती है, फीवर की एक लाइफ साइकिल देखने को मिल जाती है, यानी कि जब जब ब्लड में ये ब्रस्ट करेंगे, जब जब हमारे ब्लड की कोशिकाओं के ये मारेंगे, तब तक हम लोगों को क्या दिखाई देगा, फीवर दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों की बॉडी जो होती है वो सस्टेन करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ा भी देती है, टेम्परेचर को घटा भी देती है, तो ज़्यादातर के क्या करती है, सस्टेन करने के लिए हमारे टेम्परेचर को बढ़ाती है, और इस टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बॉडी क्या करती है, हमारे सस्टेन करने की वजह से या सस्टेन होने की वजह से हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसको हमको जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिल जाती है, और हमको फीवर जैसे सिम्पटम देखने को मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखो ये ब्लड के सेल्स को तो ये ब्रस्ट करके खत्म कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और भी ये काम करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है, गैमेटोसाइट सेक्सुअल स्टेज इन आरबीसी, जब ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं अपने आरबीसी में, यानी हम लोगों के आरबीसी सेल्स में, जब ये ब्लड में एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो ये उस समय अपना गैमेटिक जो बॉडी है, या हम कह सकते हैं गैमेटोसाइट बनाते हैं, क्या बना लेते हैं, गैमेटोसाइट बना लेते हैं, और सेल स्टेज में का गैमेटोसाइट का मतलब है गैमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, या गैमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाते हैं, कहाँ पे, ये हमारे ब्लड में आरबीसी में, और उसके बाद क्या होता है, कोई दूसरा एक दूसरी मान लीजिए मॉस्किटो आई, तो ये हमारे क्योंकि ब्लड में ही पूरी गैमेटोफाइट है, तो वो दूसरी फीमेल आएगी तो इस गैमेटोफाइट को क्या करेगी, हमारे में से इजेक्ट आउट करेगी, किसकी वजह से, हमारे में आएगी, हमारे ब्लड को चूसेगी। अब वो मच्छर काटते हैं तो हमारे ब्लड को क्या करते हैं, शक करते हैं, तो अब शक करेंगे तो क्या करेगा, अब शक किया तो उसके साथ हमारे ब्लड में पहले से मौजूद क्या है, गैमेटोसाइट्स मौजूद है, किसके, प्लाज्मोडियम की, उस गैमेटोसाइट्स को भी वो क्या कर लेंगे, ब्लड के थ्रू अपने अंदर ले लेंगे, यानी कि अपने माउथ में या अपने सलाइवरी ग्लैंड में ले लेंगे, अपने सलाइवा के साथ अंदर शक कर लेंगे। अब ये गैमेटोसाइट्स को ये क्या करेंगे, अपने अंदर जैसे ही लेंगे, तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बना हुआ था, अब ये सेक्सुअल स्टेज बने हुए थे, तो सेक्सुअल स्टेज का मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोसाइट अलग अलग बन चुके होते हैं, तो ये जैसे ही हमारा क्या करता है, बीबल गैमेटोसाइट्स फीमेल मॉस्किटो जो करते हैं, शक करते हैं ब्लड विथ गैमेटोसाइट्स, ब्लड को गैमेटोसाइट्स के साथ शक कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन मॉस्किटो गट्स, यानी कि ये जो गैमेटोसाइट्स इन लोगों ने हमारे बॉडी से शक किया था, वो गैमेटोसाइट्स का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कहाँ पे जाके, हमारे जो मॉस्किटो होते हैं, जिस मॉस्किटो ने इस गैमेटोसाइट्स को शक किया है ब्लड के थ्रू, उस
मॉस्किटो के गट्स में ये जैसे ही पहुंचते हैं गैमेटोसाइट सूट का क्या हो जाता है, फट से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और जब फ्यूजन होगा तो क्या करेंगे, जायगोट बनाएंगे, जायगोट से बनाने के बाद आगे चल के फिर से अपने नंबर को बढ़ाएंगे सेक्सुअली, और हम कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन मॉस्किटो डक से, यानी कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद अपना डेवलपमेंट करते हैं ये मॉस्किटो के गट्स में, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये फिर से मॉस्किटो गट्स में डेवलपमेंट करने के बाद फिर ये मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है जिसे हम लोग स्पोरोजॉइट्स कहते हैं, ये स्पोरोजॉइट्स बनाते हैं, और उसके बाद स्पोरोजॉइट्स जो बनते हैं वो हमारे कहाँ पे चले आते हैं, मॉस्किटो गट्स से उसके सलाइवरी स्टेज में, या सलाइवरी जहाँ पे आ रही है उसके माउथ बकल कैविटी में आ सकते हैं, हम कह सकते हैं माउथ कैविटी में आ जाते हैं, और जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा प्रेजेंट होती है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ, इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ जाएगा, गट्स में फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि इसमें इंटेस्टाइन से होते हुए फिर कहाँ निकल आते हैं, ये इंटेस्टाइन से निकल के माइग्रेट हो जाते हैं यानी कि वहाँ से फिर आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं जिसकी वजह से फिर जब वही मॉस्किटो जो हमको सक करके गई थी, दूसरी मॉस्किटो हम लोगों में से जो गैमेटोसाइट्स लेके गई है, वो मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को क्या करेगी, इन्फेक्ट करेगी, तो उसको इन्फेक्ट करने के लिए क्या करेगी, उसको बाइट करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या करेगी, वो उसको बाइट करने के बाद हम कह सकते हैं कि उसको बाइट करेगी और क्या करेगी, उसको बाइट करने के बाद उसको भी इन्फेक्ट करेगी। चलिए ये सब देख लिया हम लोगों ने प्लाज्मोडियम में लाइफ साइकिल, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देख रहे हैं प्रोटोजोआल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल देख लिया, वायरल देख लिया, आपके प्रोटोजोआंस हम लोग देख रहे हैं, प्रोटोजोआंस में हम लोगों ने मलेरिया देख लिया, अब हम लोग देखने जा रहे हैं आपका एमेबियासिस। एमेबियासिस, एमेबियासिस में हम लोग क्या देखेंगे, एमेबियाटिक डिफेंट्री, इसको हम लोग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इस डिजीज़ के बारे में अभी हम लोग देखेंगे वही चीज़ें कि इसका पैथोजेंस क्या है, इसमें हम लोगों के क्या सिम्पटम देखने को मिलते हैं, क्या चीज़ें और हमको देखने को मिल जाती है। तो इसके अगर पैथोजेंस की बात कर सकते हैं एमेबियासिस के, यहाँ पे आप देख लो एमेबियासिस का आपको दिया हुआ है फिगर, ठीक है, जिस पैथोजेंस के द्वारा होता है ये एमेबियासिस, ठीक है। अब आ जाओ देखो इसको पैथोजेंस की जब बात करते हैं तो ये क्या पैथोजेंस कौन से होते हैं, इंटरबीबा हिस्टोलिटिका, इंटरबीबा हिस्टोलिटिका जो है वो क्या करता है, हम लोगों में कॉज करता है एमेबियासिस को, एमीबियासिस नमक जैसी डिजीज को हमारे अंदर जो पैथोजेंस, जो ऑर्गेनिजस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्ज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एमीबियासिस हिस्टोलिटिका, इंटरबीबा हिस्टोलिटिका, सॉरी इंटरबीबा हिस्टोलिटिका, ये आपके क्या है, हम लोगों में कॉज करने वाले पैथोजेंस है। अब ये हमको कॉज कहाँ से होते हैं, देखो अक्सर करके ये जो एमीबियासिस होती है ये हमारी कॉज होती है हाउस फ्लाई से, यानी कि जो हम लोगों के घरों में मक्खी आप देख रहे हो कि ब्रेड पर बैठी हुई है, दिख रहा है। अब देखो क्योंकि मक्खियाँ आपकी अलग अलग जगहों पे बैठती है, बहुत बहुत जगह बैठती है, देखते हो ना, तो अब अलग अलग जगहों पे बैठती है तो आप वहाँ पे बैठने के बाद फिर ये आके हमारे ब्रेड्स पे बैठती हैं, ब्रेड पे, रोटी में बैठ जाती हैं, ब्रेड पे बैठ जाती हैं, खाने में बैठ जाती हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे वो पहले बैठती थी वहाँ से यहाँ पे आने में ये लोग क्या करती है, वहाँ से यहाँ पे आते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ों को लेके आती है, हमारे ब्रेड पे रख देती है, और जिसकी वजह से वो क्या करती है, वहाँ से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उठा के हमारे ब्रेड पे लाके रखती हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग अपने रोटी और अपने ब्रेड के साथ खा जाते हैं, अंदर कर जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के हम लोगों को बड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, एमेबियासिस नामक चीज़ जैसे बीमारी हमको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखो हम लोगों का जो आपका दिया है मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो क्या दिया है, हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर्स ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फिशेस टू फूड एंड वाटर, ठीक है, फिशेस से कहाँ तक, फूड और पानी तक, ये क्या करती है हमारे एमेबियासिस काज करने वाले इंटरबीबा हिस्टोलिटिका इन बैक्टीरिया को, या इन सॉरी बैक्टीरिया कह रहा हूँ, इन प्रोटोजोआंस को क्या करती हैं, फिशेस से लेके हमारे भोजन तक, हमारे पानी तक ले आने का काम इनका है, किसका, हमारे हाउस फ्लाई का, और ये हम लोगों को एक अड़े अच्छे, क्या हम लोग कह सकते हैं, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से क्या कर सकती है, आपको इन्फेक्ट करवा सकती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिम्पटम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प, स्टूल एंड विथ एक्सेस म्यूकोस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हमको देखने को मिल जाती है, दूसरी चीज़ एब्डोमिनल पेन हमको देखने को मिलता है, क्रैम्प देखने को मिलता है, स्टूल बनता हुआ हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्टूल का क्या है, एक कुछ है नहीं है, आपके जैसे हम लोगों का फूड फंक्शन होता है ना, उसी तरह से आप लोगों के जो
एनएस का रीजन हो तो उसके ऊपर वाले जो रीजन होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं एक्सेस म्यूकोसा एंड ब्लड से क्लॉट्स हो जाता है। कभी कभी वहाँ पे एक्सेस म्यूकोसा हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये सारी डिजीज क्या कर सकती हैं हमें बीएसएस में हम लोगों को ये सारे सिम्पटम देखने को मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें देखने के बाद, मोड ऑफ ट्रांसमिटर, सिम्पटम देखने के बाद आगे और हम लोग दूसरे डिजीज के बारे में बात करते हैं। दूसरे डिजीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है एस्केरियसिस, जो कि ये आपका एक कह सकते हैं कि राउंड वर्म की वजह से होता है। ठीक है, आप देख लो नीचे बीच वाले में, यहाँ पे देख लो ये इसी की वजह से होता है भाई, ये दिख रहा है, ये वो आपके हैं जो क्या करते हैं कॉज करते हैं। ठीक है, चलो तो ये वो हैं जो क्या करेंगे कॉज करेंगे हम लोगों को क्या एस्केरियसिस, और एस्केरियसिस मतलब एस्केरिस, ये एस्केरिस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम लोगों में क्या कॉज करते हैं आपके डिजीज कॉज करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि उनको कौन सा डिजीज कॉज करेंगे, ये एस्केरियसिस। तो एस्केरिस के बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, एस्केरिस जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो एस्केरिस पढ़ा होगा, आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल बनाए होंगे 12th के तो वहाँ पे भी एस्केरिस के बारे में बनाया जाता है, एस्केरिस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एस्केरिस के साथ साथ इस एस्केरिस का हमारे हमारे में या हमारी बॉडी में इनका कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो ये कैसे हो सकते हैं भाई, देखो एस्केरिस के लार्वा हर जगह पर मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि आपके सॉयल में, आपके वाटर में, आपके फ्रूट्स में। तो क्योंकि इन चीज़ों से इनके क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसकी लाइफ साइकिल आप देख लो नीचे दी हुई है, कैसे दिया हुआ है। ठीक है, देख लो एक एक बंदा है और दूसरा बंदा है और ये आपका एस्केरिस है और वो दोनों देखो फीसेस कर रहा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें और सब कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जा रहेगा। अब यहाँ पे देखो सॉयल वाटर वेजिटेबल एंड फ्रूट इटीसी कंटामिनेंट टेड विथ फीसेस कंटेन एक्स आर पैरासाइट्स। देखिए ये जो आपकी है एस्केरियसिस, एस्केरियसिस डिजीज हम लोगों को इन्फेक्टेड सॉयल वाटर वेजिटेबल फ्रूट से हो सकती है। ये कंटामिनेंट की तरह काम कर सकते हैं, फीसेस भी कंटामिनेंट एक्स है पैरासाइट्स की तरह काम से कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है कि एस्केरियसिस जो है ये हमारा इन्फेक्शियस होते हैं। तो क्योंकि अब ये हमारे कौन से डिजीज हैं, तो यहाँ पे हम लोग अभी तक तो प्रोटोजोआंस पढ़ रहे थे, लेकिन एस्केरियसिस की जब आती है तो ये कैसे है? हमारे डिजीज कौन से हैं, हेलमेंथीज हैं। तो हेलमेंथिक डिजीज जो होते हैं, हेलमेंथिक डिजीज जो होंगे, इन हेलमेंथीज में हम लोग क्या देखेंगे कि छोटे छोटे से यही ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एस्केरिस जो है ये भी एक आपका क्या है छोटा सा ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते हम इसको, ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग तो नेकेड आई से भी कभी कभी क्या हम लोग हमेशा देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो कह ही नहीं सकते, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। एस्केरिस जो हेलमेंथीज से आता है, हेलमेंथीज आपके किंगडम से मिलता है, ये आपके मिलते हैं वहाँ से, मेंबर के ग्रुप हैं, ग्रुप के मेंबर हैं आपके हेलमेंथीज ग्रुप के। तो इसमें देखो इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, देखो इसकी वजह से आपको जो होगा आपके जो हम लोग फ्लूकाजोल, फ्लूकाजोल जो टेबलेट ही खाते हैं कि कीड़ी वाला दवा खा लेते हैं, तो वो कीड़ी कौन सी है, यही है आपकी एस्केरिस होती है जो आपके क्या होती है कभी कभी इंटेस्टाइन वगैरह में पाई जा सकती है और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती है। और इसी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 6 महीने पे हमको क्या करना चाहिए, टैबलेट खा लेने चाहिए किसके, कीड़े वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि इनके जो हम बात करते हैं सिम्पटम की, तो यहाँ पे सिम्पटम अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सिम्पटम क्या देखने को मिलती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है आपका, एनेमिया आपको हो सकती है, ब्लॉकेज एंड इंटेस्टाइनल पैकेज हो सकता है, इतनी सारी आपको सिम्पटम देखने को मिल सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से। ठीक है, मस्कुलर पेन्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि मस्कुलर पेन्स इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ये अपना जो अब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं वो उसी मसल्स के से शो करते हैं। तो इसलिए जिस मसल से ये अपना अब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उसी मसल्स में आपको पेन हमेशा देखने को मिलेगी, यानी कि इंटरनल मसल्स जो होंगे उसमें आपको पेन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इनमें। दूसरी चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि फीवर हम लोगों को हो सकता है, एनीमिया हो सकती है, आपको कमजोरी आ सकती है एनीमिया की वजह से। आपके आपको पता है कि जब ब्लड की कमी होती है तो आपको एनीमिया हो सकती है। ठीक है, ब्लॉकेज आप इंटेस्टाइनल पैसेज को ये ब्लॉक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये इंटेस्टाइन में ही छोटे वाले स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या करेंगे,
अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे, तो जब नंबर्स को बढ़ाएंगे तो बहुत एकदम से उली टाइप के हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जब इसके मेंबर्स बढ़ जाते हैं तो वो पूरा ऐसे, और वो क्या करेंगे आपके इंटेस्टाइन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। तो वो चीज़ें इनमें देखने को मिल जाती है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैकेज, ठीक है। तो ये क्योंकि इंटेस्टाइनल के न्यूमन में ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और जिसकी वजह से क्या करेंगे वो पूरी तरह से डिस्टर्ब करेंगे हमारे पूरे इंटेस्टाइनल पैसेज को, ये ल्यूमन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे ल्यूमन को, और जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल पैसेज भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारी किसकी, हेलमेंथिस डिजीज की, दूसरी हेलमेंथिस डिजीज जिसे हम लोग फाइलेरियासिस कहते हैं। फाइलेरियासिस में आप एलिफेंटेसिस भी इसी को कहते हैं, हाथी पांव भी इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके जो कॉजिंग एजेंट है या इनके जो पैथोजेंस, आप देख सकते हो कि आपको दो फिगर दी हुई है नीचे, इन दोनों में आपको देखो फाइलेरियासिस हुआ है, जिसमें आपका क्या हो रहा है, जो पांव होते हैं इनके जो आपके, वो पांव पूरे क्या हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे से हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से एक हम कह सकते हैं अलग से पूरा मसल्स जो होता है कहीं कहीं पे एकदम से बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है पूरी तरह से, स्वेल हो जाती है पूरी। तो ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग सिम्पटम क्या क्या देखे जाते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या है फाइलेरियासिस, फाइलेरिया और वॉर्म। देखो आपका जो इनका पैथोजन है वो है फाइलेरियल वॉर्म या वुचरेरिया, हम लोग कह सकते हैं वुचरेरिया में आपका ब्रोंक फलेरिया और वॉचरेरिया, हाँ ठीक है। एक्चुअली देखो यहाँ पे ये हल्का सा इधर उधर कर दिया, ये होता क्या है, वुचरेरिया को ही हम लोग फलेरियल वॉर्म कहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर कभी आपसे नीट पूछेंगे तो वो वुचरेरिया आप प्रीफर ज़्यादा करिएगा वुचरेरिया को, ठीक है। वैसे ऑप्शनल के आधार पे, अगर आपका ऑप्शन में एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं देगा, फ्लैट वॉर्म और वुचरेरिया एक साथ नहीं देगा, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर पैथोजेंस की बात की जाए तो डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि वुचरेरिया, ठीक है, और उसी वुचरेरिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लैट वार्म कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वुचरेरिया का इमेज देख सकते हो, ठीक है, ये देख लो, ये आपकी वुचरेरिया है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने वुचरेरिया का इमेज देख लिया, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिम्पटम दिख रहा है जो हाथी पाँव बन गया, ठीक है, ये आपका क्या है, ये सिम्पटम दिखा। तो इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो आपका वुचरेरिया है। अब आगे चलो, यहाँ पे वुचरेरिया भी आपका ब्रोंक प्रॉपर्टी और मलेई दो प्रकार के आपके दिख सकते हैं, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब ये भी जो होता है ये भी आपका एक मॉस्किटो के ही काटने से होता है, जिसे हम लोग फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो कहते हैं, उसके वजह से ही ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमको देखने को मिल जाती है। अब इसमें देखो होता क्या है, सुनो इनके सिम्पटम देख लो, ठीक है। वैसे लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन आप परेशान मत होइए, एक घंटा से ज़्यादा का आप देख सकते हैं लेक्चर, देखिए। तो बस ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म ही होने वाला है, परेशान मत हो, ठीक है। फाइलेरियल वॉर्म लिव्स इन लिम्फेटिक वेसल्स यूजुअली ऑफ लोअर लिम्फ, इट कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स, लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन में बे डिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो लिम्फेटिक वेसल्स में ये क्या करते हैं, जो फाइलेरियल वॉर्म होते हैं वो रहते हैं, या अपना हम कह सकते हैं नंबर्स बढ़ाते हैं, या इन्फेक्ट होने के बाद ये क्या करेंगे, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में रहेंगे। और यूजली ये कौन से लिम्फेटिक वेसल्स में हमारे पाए जाते हैं, ज़्यादा लोअर वाले लिम्ब के, अपर वाले में ये नहीं ज़्यादा पाए जाते, हमेशा कहाँ पाए जाएंगे, लोअर वाले लिम्ब में ये पाए जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, इट कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स, यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलेगा ऑर्गन्स में, जिस ऑर्गन के लिम्फेटिक वेसल्स में ये पाया जाएंगे उस ऑर्गन के क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, खुला हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, जिस लिम्फेटिक वेसल्स में ये इन्फेक्टेड होंगे तो उस लिम्फेटिक वेसल्स में ये क्या करते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं, और जिसकी वजह से ये करते क्या है कि हमारे जो आप ये कह सकते हो कि लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन्स में भी डिफॉर्म, इनकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं और जो हमारा लिम्ब है यानी कि लोअर लिम्ब, वो हमारे क्या हो सकते हैं, आपके डिफॉर्म हो सकते हैं। आप देख सकते हो सेकंड नंबर में जहाँ पे उसका जेनाइटल जो है ऑर्गन्स वो भी पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुका है, और उसके लोअर लिम्ब का यानी कि उसका एक पैर पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिफॉर्म हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से गड़बड़ हो चुके हैं,
जहाँ पे आपको दिख रहा है इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है उसके पूरे जेनाइटल जेनाइटल ऑर्गन्स में और उसके कह सकते हैं कि उसके लोअर लिब में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं किसमें, हेलमेंथीस में दोनों डिजीज देख चुके हैं हम लोग, एस्केरियसिस से होने वाला एस्केरियसिस, एस्केरिस से होने वाला एस्केरियसिस और विचरेरिया से होने वाला फलेरियसिस। ये दोनों डिजीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसको इस डिजीज़ का नाम हम लोग हाथी पाँव से भी जानते हैं, जिसको एलिफेंटियसिस भी कहते हैं, ठीक है। इनके नाम से आप याद रखिएगा इनके, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं फंगल डिजीज़ की। फंगल डिजीज़ हम लोगों का क्या है, फंगल डिजीज़ में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को रिंग वर्म कैसे भूल सकते हैं भाई, गर्मियों का सीज़न आ चुका है और आप देखते हो कहते हैं क्या भाई फंगल इन्फेक्शन से बचे, ऐसे वाले एड्स आते हैं, ठीक है। पाउडर ऑर्डर के जो एड्स आते हैं आपको एड्स, ठीक है, एड्स जो आते हैं आपके, वो सारे ऐड क्या आते हैं भाई, गर्मी आ गई है फंगल इन्फेक्शन से बचिए, तो ये सारे ऐड क्या करने के लिए देते हैं, हमारी फंगल डिजीज से बचने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये फंगल डिजीज आपके क्या होते हैं, फंजाई से होने वाले डिजीज होते हैं। अब इसमें जो आपके कॉमन फंजाई होती है वो है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एंड ईपी डर्मोफाइटॉन, दीज आर सीन इन ग्रुप बिटवीन टॉयज एंड ETC। देखिए ये ऐसे जगहों पे जहाँ पे आपका मसल्स होता है, ऐसे आपके ये वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पनपते हैं, वहीं पे आपको ये देखे जाते हैं। और वहाँ पे ये करते क्या हैं, हमारे जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं इसके, ये चीज़ें देखते हैं हम। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम सॉइल और यूजिंग टॉवल्स क्लॉथ कॉम ETC हीट एंड मॉइस्चर विल हेल्प वाइन फंजाई टू ग्रो। देखो ये हमारे ग्रूव में या हमारे लोब्स के बीच में पाए जा सकते हैं, ग्रूव या लोब्स के बीच में पाए जा सकते हैं। अब देखो ये हमारे फैलते कहाँ से हैं, क्योंकि देखो फंजाई जो है या फंगल जो है, ये फंगस जो है ये हमारे कहाँ हो सकते हैं, सॉइल्स में हो सकते हैं। अब सॉइल्स के टच में या उसके संपर्क में आने से ये फंगल डिजीज हमको हो सकती है। दूसरी चीज़, इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवेल यूज करने से, उसके क्लाथ को यूज करने से, उसके कंघी को यूज करने से या उसके और सामानों को यूज करने से हमको ये डिजीज हो सकती है। दूसरी चीज़, हीट और मॉइस्चर यानी कि गर्मी और नरमी, दोनों चीज़ याद रखना, गर्मी और नरमी, ये दोनों हमारा क्या करता है, फंजाई को आप कह सकते हैं कि मतलब ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। गर्मी और नरमी दोनों क्या करेगा, फंजाई को ग्रो करने में मदद करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी एक बंदे का क्या दिया गया है, एक रैसेस दी गई हुई है जिसे हम लोग दांत खाद खुजली कहते हैं, ये सारी चीज़ें इनसे हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हम लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात आती है इसमें सिम्पटम क्या होती है, सिम्पटम को यहाँ पे देखो, ये कितना खतरनाक खतरनाक है, देखो उसके सर पे, उसके कानों के पास, उसके हाथों में, जहाँ पे ग्रुप में देखो उसके, ये ग्रुप है ना, तो यहाँ पे आपके पाया जा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इनका क्या होता है, इन्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा, एक तो अक्सर करके देखते हो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ये फैलते हैं। यहाँ पे देखो वो तो क्या आता है, होता क्या है कि जब ये फैलते हैं, ये अब ये फंक्शन इन्फेक्शन करेगा तो ये पहली बात तो इपीडर्मिस पे करता है, इपीडर्मिस वाले लेयर को ही ये ख़त्म करते हैं, पूरी तरह से इपीडर्मिस वाले लेयर को ही ये ख़राब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्राई हो जाता है स्कैलिनेशन और स्किन, ठीक है। आपका जो ये स्कैली है, ये यहाँ पे आपके ड्राइनेस हो सकती है या पूरा नेल्स जो होता है, स्काल्प जो होता है, ETC इंटेंस ईचिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपके ड्राइनेस आ सकती है, पूरी रूखापन आ सकता है, और उसके बाद रूखेपन होने के साथ साथ आप देखते हो कि इसमें हम लोग देखते हैं कि इंटेंस ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट देखने को मिलती है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। और ड्राइनेस देखने को मिलती है, आप देखते होंगे कि किसी को अक्सर करके गर्मी में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग, ये तो नॉर्मल की है फंगल इन्फेक्शन आपकी जो है रिंगवॉर्म में, या तो अगल बगल आप लोग कई दफ़ा लोगों पर देखा होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग कुछ और, अब इतनी ही डिजीज़ आपकी दी हुई हैं पूरे आपके NCERT में डिटेल में, इतने ही डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है, इतना ही चीज़ें दी हुई हैं, आप NCERT पढ़िएगा, NCERT से ही पूरी आपकी लाइन बाई लाइन आपकी NCERT से ही थी। बट आगे चलते हैं हम लोग, कुछ थोड़ी सी और बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ बात की थी कि अगर हम लोगों को डिजीज़ होता है या डिजीज़ कॉजिंग अफेक्ट हम लोगों ने देखे थे, तो कॉजिंग की जगह पर हम लोगों ने उसको ये भी देखा था कि हम लोग किससे इसको
प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखी थी लास्ट तक जाते जाते। लेकिन और चलते हैं हम लोग कुछ प्रिवेंशन के बारे में, इसके कंट्रोल के बारे में देख सकते हैं हम लोग अपने इन डिजीजेज के बारे में। तो इन डिजीज में जो सबसे पहला प्रिवेंशन आपका होता है वो क्या है, आपका पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आप लोगों का क्या है भाई, सुबह सवेरे नहाया वहाया धोया वहाया करो और क्या, ठीक है, कीप द बॉडी क्लीन। भाई देख लो, पता नहीं ये कौन सा एक तो हीरो है, इसका फिगर दिया हुआ है, हम इस हीरो का नाम हम जानते नहीं है भैया, तुम लोग जानते होगे, नाम जानते होगे तो कमेंट करके बताना भैया कौन है, हम भी जान लेंगे थोड़ा, ठीक है। एक बच्ची को देखो दे रहा है कि वो अपने पानी पी रही है, लेकिन वो पानी जो पी रही है वो कैसा पानी भैया पीना चाहिए, तुम लोग तो जानते ही हो, फिल्टर का पानी भाई पियो, ठीक है। तो फिल्टर का पानी वानी पियो पर्सनल हाइजीन में अपने, और नहाया वहाया धोया करो, मलिच्छो कहीं को, ठीक है। और अपने भोजन भी थोड़ा साफ़ सुथरा खाया पिया करो, बाहर का बड़ा तुम लोग खाते हो हैं, तो वो चीज़ें आप लोग कर सकते हो पर्सनल हाइजीन में, इन चीज़ों का काम। दूसरी चीज़ आप पब्लिक हाइजीन में देख सकते हैं, पब्लिक हाइजीन में आप क्या कह सकते हैं, पर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, यानी कि जितने भी आपके वेस्ट वगैरह होते हैं तुम गधों तो वही सड़क पे फेंकते हो ना, चलो तो सड़क वड़क पे मत फेंका करो, उसको एक प्रॉपर जगह पे उसको डिस्पोजल, जहाँ पे हो उसका मतलब, जहाँ पे उसको इकट्ठा उकट्ठा करने वाला कूड़ा उड़ा हो वहाँ पे ले जाके उसको डस्टबिन उस्टबिन में डाला करो, ठीक है। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वर पूल्स कैश पूल्स एंड टैंक। देखो जो हम लोगों के नदी वदी के पानी वानी होते हैं उसको आप हमेशा क्या किया करो, साफ़ सुथरा किया करो, डिसइंफेक्शन किया करो ऑफ वाटर रिजर्वर पूल्स एंड क्रैश पूल्स एंड टैंक्स को, ठीक है। अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स। देखो जितने भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे भैया दूर रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर किसी इन्फेक्शन पर्सन से, अभी कोरोना देखे हो ना, एक इन्फेक्शन पर्सन कई हज़ार लोगों को इन्फेक्ट कर देता था, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है भैया। अपनी मतलब देखो यहाँ पे, ये देखो इस बंदे को ज़रा देखो, ये देखो ये कर रहा है भैया, दूर रहो दूर रहो दूर रहो दूर रहो, ठीक है। तो उचित दूरी बहुत ज़रूरी होती है हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति से अपनी उचित दूरी बना के रखिए, ठीक है। टू कंट्रोल एयरबॉर्न डिजीज, ऐसे डिजीज से बचने के लिए जो कैसी हवाओं से, हवाओं में मिलके या उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवाओं से हमको कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन्स इन पब्लिक कैटरिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करें अपने हाइजीन्स इन पब्लिक कैटरिंग में, ठीक है। दूसरी चीज़ कंट्रोल एंड इलिमिनेट वेक्टर्स मॉस्किटोज वगैरह को, भैया अपने अगल बगल जितने मॉस्किटो वॉस्किटो रहे हैं तो पहले तो उसको मार मार दिया करो, अगर नहीं मार पाओ तो मच्छरदानी मच्छरदानी लगा के सो जाया करो, समझे। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, मॉस्किटो के संपर्क में मत आए, कंट्रोल करें इलिमिनेट करें वेक्टर्स को, ऐसे जैसे आप लोगों के तलचट्टा चट्टा हो, छिपकली उपकली, ये सारी चीज़ों को आप लोग मारते मारते रहा करो, हमेशा घर वर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इस समय, तो हमारे भी घर में पाए जाते हैं, तो हम भी थोड़ा हमेशा काम करते रहते हैं, कभी कभी साफ सफाई करते रहते हैं, ठीक है। चलो और आते हैं कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो दिया है अवॉइड स्टिग्नेशन ऑफ वाटर, गंदे पानी से भैया बच के रहा करो, ठीक है, और ऐसे पानी से जिसमें आपका क्या हो इन्फेक्शियस मैटर्स आपको देखने को मिले, या ऐसी चीज़ें जो गंदगी आपको जहाँ दिखे उन पानी से भी आप क्या करो बच के रहो। आपको देखो चार फिगर दी हुई है, तो इस चारों फिगर को आप देख लें, ऐसे जगहों से आप ऐसे वाटर से बचें, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, ठीक है, हमेशा अपना कूलर वूलर साफ़ किया करो, जिससे कि देखो कहाँ कूलर साफ़ करने के लिए हम कह रहे हैं, या आपका मतलब एनसीईआरटी कहाँ कह रहा है, या एनसीईआरटी नहीं कह रहा है तो भैया कहाँ नहीं कह रहा है, अगर कहाँ कह रहा है तो कहाँ कह रहा है सुन लो, कूलर में पानी रखेगा तो वहाँ पे मच्छर का लार्वा फैलेगा, और मच्छर का लार्वा फैलेगा तो जो मच्छर तुम्हारे गंदगी बाहर मतलब गंदे पानी में पनपने वाले होते हैं उनसे ज़्यादा मच्छर तुम्हारे कूलर में पैदा होते हैं, और ठंडा ठंडा हवा तो खाओगे लेकिन साथ में ही मच्छर से भी नचवाओगे। तो इसलिए अपने कूलर वूलर को हमेशा, जो हाउस होल्ड मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हो जिसमें पानी वानी की हमेशा ज़रूरत पड़ता हो उसको हमेशा साफ सुथरा रखा करो, ठीक है। तीसरी चीज़ यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, आई भैया ये तो सबसे ज़रूरी होती है, ठीक है, इसके बिना तो नींद नहीं आने वाली है, तो आपको भी पता है, तो हमेशा इसका यूज किया करो जो
बहुत लोगों को कहते हो ना कि गर्मी लगती है, सही कैसे यूज करें, तो यूज किया करो, बिना इसके यूज के आप लोग बचने वाले नहीं हो, क्या कि मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। इंट्रोड्यूस लार्विवोरस फिशेस लाइक गैम्बोसिस इन पॉन्ड्स। जो ये फिशेस होती है इनको इंट्रोड्यूस करो कहाँ पे, पॉन्ड्स वगैरह में, ठीक है, जिससे कि ये क्या करें, लार्वा वगैरह को से बचो। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या है, स्प्रेइंग इन्फेक्सीसाइड्स इन डिच ड्रेनेज एंड स्वैम्प्स, यानी कि जो इन्फेक्शियस ये जो आपके होते हैं, जो मारने के वाले जो होते हैं, इनका स्प्रेइंग हमेशा किया करो जहाँ पे ऐसे आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पनप सकते हैं, ऐसी जगहों पर। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी क्या है, प्रोवाइड डोर्स एंड विंडो विथ वायर मेस, यानी कि अपने मतलब जो विंडो हो, अपना जो डोर का विंडो होता है उस पे आप अपने जाली वाली लगा के रखा करो, जिससे कि मच्छर वच्छर घुसे ना, छोटे वाले मच्छर तो घुस ही जाएंगे, बड़े वाले तो कम से कम नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लें। दूसरी चीज़ आप क्या करें, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन हेल्प टू कंट्रोल डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटनेस। देखो, हमारे जो वैक्सीन होते हैं या इम्यूनाइजेशन, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी वाले मतलब सेशन में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस सारे डिजीज से हमारी ये वैक्सीन कैसे हमारी मदद करती है। आप लोग देख ही सकते हो, कोरोना वाला काल चल रहा है और इस समय वैक्सीनेशन बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, हमारी सरकार उस भी उस पर बड़ा अमल कर रही है और कई करोड़ों की वैक्सीनेशन हमारी सरकारों ने करवा दिया। ठीक है, तो ये वैक्सीन भी हमारी क्या करती है, बहुत सारी दवाइयाँ से बचाती है, तो वैक्सीन भी हमेशा करवा लेना चाहिए। और छोटे बच्चों को तो एकदम से जो 5 साल तक 7 साल तक जो वैक्सीन से लगती है, वो वैक्सीन में से एक भी वैक्सीन ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि जो उनको लगवाए ना हो। ठीक है, तो सारे बच्चों को वो वैक्सीन से लगवा लेनी चाहिए। ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स आल्सो हेल्प टू ट्रीट इन्फेक्शन डिजीज। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ड्रग्स हमारे क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। ठीक है, बाकी लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है। थैंक यू, लंबा लेक्चर चला, ठीक है, 1 घंटे से लगातार बुलाते बुलाते तुम लोग प्यास हमको लगा लगवा दिए हो, और आशा करता हूँ अभी थैंक यू आप लोग को ये वीडियोज़ अच्छी लगी होगी और आप लोगों को हेल्पफुल भी हुई होगी। और हाँ, याद रखो, जो लोग नहीं पढ़ रहे उन लोगों को बता दो कि इसके बाद सर पढ़ाने वाले नहीं है, ठीक है, ये वाला चैप्टर, तो ये चैप्टर आप लोग कृपया करके देख लें, जितने लोग नहीं देख रहे उनको बोल बोल के दिखवा दो, क्या कि अगर वो लोग देखेंगे नहीं तो भाई नंबर तो कम आएगा ना, तो उससे हम ही लोगों की बेइज्जती होगी, तो उनको क्या कह के दिखवाओ। कुछ बच्चे हैं जो लोग नहीं देखे थे इसके पहले वाली वीडियो, आज मतलब 6 बजे तो बंद हो गई है, ठीक है, 16 तारीख में, बाकी कई ये वीडियोज़ है, ये अभी आपका अनलिस्टेड है, बट ये भी आपका होगा आज ये भी आपका 6 बजे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।